गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, पार्ट वन है हमारा, लेसन वन, उसका पार्ट वन। ओके, शुरू करेंगे हम आज पार्ट एक से। सबसे पहले पार्ट का नाम क्या है हमारे, प्यारा भारत। क्या नाम है पार्ट का, प्यारा भारत। ओके, आज हम अपने भारत के बारे में एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता में क्या दे रखा है, कविता का भावार्थ। ओके, शुरू करते हैं। बुक के पास बुक है, बुक पे ओपन कर सकते हैं आप, बुक में से भी आप रीड कर सकते हैं, बाकी आपकी स्क्रीन पे भी दे रखा है, आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। इस कविता में यह बताया गया है कि विश्व के देशों में भारत का स्थान अनोखा है। इस कविता में क्या बताया गया है कि विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या है, अनोखा, मतलब सबसे प्यारा और सबसे न्यारा है, जो किसी भी देश में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है ऐसा देश जो हमारे भारत की तरह है, उसकी तरह अनोखा माना गया हो। इसके उत्तर में विराजमान हिमालय इसकी सुंदरता बढ़ाता है। अब हमारे भारत देश एक अनोखा स्थान है, सभी देशों में से भारत क्या है, एक अनोखा स्थान है। उसके अलावा इसके उत्तर में विराजमान हिमालय इसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो उत्तर में क्या विराजमान है, हिमालय, जो क्या करता है, हमारे भारत देश की सुंदरता को और भी बढ़ाता है। तथा गंगा, यमुना, नदियां व सागर इस देश को और भी सुंदर बनाती है। हिमालय तो हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाता ही है, उत्तर दिशा में जो विराजमान है। उसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये नदियां क्या है, हमारे देश की सुंदरता को और भी निखारती है। सागर इस देश को और भी सुंदर बनाता है, और सागर भी क्या है, हमारे भारत देश को और भी सुंदर बनाता है। हिमालय, गंगा, यमुना, नदियां और सागर, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे भारत देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस देश में बहुत से रत्न, फल, फूल पाए जाते हैं। इसके साथ में क्या है, हमारे देश के कुछ रत्न है, कौन कौन से, फल, फूल आदि क्या है, ये भी हमारे देश के ऐसे रत्न है जिनसे हमारे भारत देश की सुंदरता और भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे भारत देश और भी सुंदर दिखाई देता है। हमें इस देश के सम्मान को बढ़ाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, उसके सम्मान के लिए, अब उनका सम्मान बढ़ाने के लिए हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो भावार्थ क्या है इस कविता का, कि हमारा देश भारत के, हमारा देश सभी विश्व के सभी देशों में से अनोखा स्थान है भारत देश का, और इसके उत्तर में कौन विराजमान है, हिमालय, जो क्या करता है, इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। तथा नदियां भी है, कौन कौन सी, गंगा, यमुना, नदियां व सागर भी देश की सुंदरता को बढ़ाती है, जिससे हमारा भारत देश और भी सुंदर दिखाई देता है। और नदियों से क्या है, हमारा भारत देश पवित्र भी माना जाता है। इस देश में बहुत से रत्न है, कौन कौन से, फल, फूल, ये सारे क्या है, हमारे देश के रत्न है, जिसकी वजह से भी हमारा भारत देश की सुंदरता बढ़ जाती है। हमें इस देश के सम्मान को बढ़ाना चाहिए, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे देश के सम्मान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। ये तो हो गया हमारे पाठ का भावार्थ। अब क्या है, कविता शुरू करते हैं। कविता, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब दे
जिनसे है पवित्र जग सारा, और फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर प्यारे, राम कृष्ण से अंतर यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। और इसका मतलब क्या है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से प्यारा। जैसे हमने भावार्थ में पढ़ा था कि हमारा भारत देश क्या है, सब देशों से अनोखा है, पूरे विश्व में ऐसा देश कोई नहीं है जो हमारे भारत देश के बराबर हो और उसके जैसा अलोखा हो। सबसे अलोखा कौन सा देश है, हमारे भारत। तो भारत तू है हमको प्यारा, भारत हमारे लिए क्या है, हमें बहुत प्यारा है। तू है सब देशों से प्यारा, तू सब देशों से क्या है, प्यारा है, अनोखा है, सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रत्न है जिसकी वजह से सुंदर दिखाई देता है, नदियां है, हिमालय है, इससे हमारे क्या है, देश की सुंदरता बढ़ जाती है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुद्र। अब मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, वो क्या है, हिमालय हमारे भारत का एक मुकुट है, एक ताश की तरह है, जो जिसकी वजह से हमारा भारत देश सुंदर दिखाई देता है। धोता तेरे चरण समुद्र, समुद्र क्या कहता है, हमारे देश, हमारे भारत देश के चरणों को धोता है, पैरों को धोता है। चरण मतलब क्या होता है, पैर, जिससे हमारा भारत देश क्या है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिनसे है पवित्र जग सारा, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी नदियां है, गंगा यमुना, इनकी वजह से क्या है, हमारा भारत देश बहुत ही पवित्र माना जाता है। अल फूल फल जल है प्यारे, तुष्पे रत्न जवाहर प्यारे। अब हमें क्या है, अल फूल फल ये सभी क्या है, जल, ये हमें क्या है, बहुत ही प्यारे है, क्योंकि इनकी वजह से भी हमारे भारत देश की सुंदरता बढ़ जाती है, हमारा भारत देश और भी सुंदर और अनोखा दिखाई देता है। तो अल फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर प्यारे। तो ये क्या है, ये रत्न ऐसे रत्न है जिसकी वजह से हमारा भारत देश प्यारा दिखाई देता है। फूल फल जल ये सारे क्या है, हमारे लिए रत्न है जो हमें बहुत ही प्यारे है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब दूसरे की मन की बात जानने वाला। सभी तेरे सभी पुत्र है सभी, सब हम सदैव तेरा गुणगाए, सब विधि तेरा सुयश बनाए। हम सदैव क्या करे, तेरा गुणगाए कि हमारा भारत देश बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी नदियां है जिससे हमारा भारत देश पवित्र है, और हिमालय से हमारे देश बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जो हमारे सुंदर दिखाई देता है। अल फूल फल जल सारी जिसकी वजह से हमारे भारत देश और भी सुंदर दिखाई देता है। इसके संवाद के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे हमारे भारत देश की सुंदरता और भी बढ़ जाए। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए, सब मिलकर हम क्या करें, तेरा सम्मान बढ़ाए। सुयश मतलब क्या होता है, सम्मान बढ़ाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे भारत देश का सम्मान को बढ़ाया जाए। ओके, ये कविता कम्प्लीट हो गई। इसमें आपको क्या समझ में आया कि भारत देश हमें बहुत ही प्यारा है, सब देशों से प्यारा है, इसके उत्तर में कौन विराजमान है, हिमालय, जिसकी वजह से हमारा भारत देश सुंदर दिखाई देता है, मुकुट की तरह है जिससे हमारे भारत देश की सुंदरता बढ़ जाती है। और धोता तेरे चरण समुद्र मतलब समुद्र नदी आगे क्या करते हैं, हमारे भारत देश को और भी पवित्र बनाते हैं। और फूल जल सारे क्या है, हमारे लिए बहुत ही प्यारे है, और ये हमारे भारत देश के रत्न है जो बहुत ही प्यारे और अनोखे है, जिसकी वजह से हमारा देश अनोखा दिखाई देता है। और तेरे सभी पुत्र है रागी, हम सदैव तेरा गुण गाए, हम सदैव क्या करें, तेरा ही गुण गाए, तेरे बारे में ये बताएंगे कि हमारे भारत देश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अनोखा है। सब मिली तेरा शुरू बढ़ाए, हम सब मिलकर क्या करें, हमारे भारत देश का सम्मान बढ़ा। ये छोटी सी सीख दे रखी है आपकी बुक में, कविता दे रखी है उसके नीचे कविता की सीख लिखी हुई है। तो कविता की सीख में क्या लिखा है, हमें अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश के सम्मान के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारे भारत देश की सुंदरता और भी बढ़ जाए और हमारा भारत देश और भी अलोखा।
देश के लिए, अपने देश के लिए, के तबार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। जो आपके बुक में भी दे रखे हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, कविता में लिए गए कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ बताए गए हैं, ताकि आपको कविता में समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। पहला नंबर क्या दे रखा है, न्यारा। क्या दे रखा है, न्यारा। न्यारा मतलब क्या होता है, अनोखा। क्या होता है न्यारा मतलब, अनोखा मतलब हमारा भारत देश क्या है, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से अनोखा है। नंबर टू, चरण। क्या लिखा हुआ है ये, चरण। चरण मतलब आपको पता ही है, पैर। क्या होता है चरण मतलब, पैर। फिर नंबर थ्री, समुद्र। समुद्र मतलब सागर। क्या होता है समुद्र मतलब, सागर। समुद्र मतलब सागर। नंबर फोर, जग। जग मतलब संसार, पूरे संसार में हमारे, पूरे संसार में कौन सा देश अनोखा है, हमारा भारत देश। अंतर्यामी बताया था मैंने कविता में, दूसरे की मन की बात जानने वाला। क्या होता है अंतर्यामी मतलब, दूसरे की मन की बात जानने वाला। नंबर सिक्स, नामी। क्या लिखा हुआ ये, लावी। नामी मतलब प्रसिद्ध। क्या है नामी मतलब, प्रसिद्ध। नंबर सेवन, सब विधि। सब विधि मतलब सभी प्रकार के। क्या होता है सभी, सब विधि मतलब सभी प्रकार के। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। लास्ट की लाइन थी हमारे जिसपे दे रखा है सब विधि मतलब सभी प्रकार के। एक नंबर, सुयश। सुयश मतलब सम्मान। बताया था ना हमारे भारत देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे हमारे भारत देश का सम्मान बढ़े। तो सम्मान, सुयश का मतलब क्या होता है, सम्मान। न्यारा मतलब अनोखा। चरण मतलब पैर। समुद्र मतलब सागर। जब मतलब संसार। अंतर्यामी मतलब दूसरे की मन की बात जानने वाला। लाभी मतलब प्रसिद्ध। सविधि मतलब सभी प्रकार के। क्या होता है सभी मतलब, सविधि मतलब सभी प्रकार के। सुयश मतलब सम्मान। ये सभी क्या है, शब्दार्थ। जो आप याद करोगे तो आपको कविता में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कविता आसानी से समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जवाब बताओ ये मिलते रहेंगे, वीडियो में समझा दिए रहेंगे। जो आपको वर्क के जरिए भी मिलते रहेंगे वो आपको नोटबुक पे करना है। एक बार कविता वापस से जरूर पढ़ना। कविता का नाम प्यारा भारत था, उसका भावार्थ हमने पढ़ लिया। कविता थी जो मैंने समझा दी आपको जरूर समझ में आ गई होगी। उसके बाद में था कविता की से, वो भी आपको समझा लिया। फिर शब्दार्थ। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, वो आपको भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। एक बार वापस जरूर पढ़ना।